नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं शेफ कालू सिंह गुजर एक सूप लेके आ रहे हैं, चिकन लंग फंग सूप। बेसिकली लंग फंग सूप वैसे चिकन ही होता है, और इंडो चाइनीज सूप जिसको हम बोलेंगे, इंडो चाइनीज का बेस सूप है, और हेल्थी सूप भी हम इसको बोल सकते हैं। बेसिकली जो इसमें इंग्रेडिएंट्स जो यूज़ होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मैंने आपको बता दिया इंडो चाइनीज सूप है, और जो कि चाइनीज सेक्शन से ही जाता है बेसिकली, और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, और कैसे बनाना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है आपको, ये इम्पोर्टेंट वेजिटेबल्स में आप कुछ यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आपका ये हो गया इधर, वैसे दिखा दें एक बार, ये हो गया वेजिटेबल। जैसे हमने इसमें थोड़ा सा अपना पोकचोय हो गया, जुगनी हो गया, बीन्स हो गया, ब्रोकली हो गया, और कैरेट हो गया, फ्रेंच बीन्स हो गया, और येलो जुगनी, ग्रीन जुगनी, ब्रोकली, जिंजर, सॉरी गार्लिक फाइन चॉप, जिंजर फाइन चॉप, और चिकन भी आप इस तरीके का कट करके ब्लांचिंग मार के डाल सकते हो, वाइट सॉल्ट, ब्लैक पेपर, और ये हल्का सा लास्ट में आपका डार्क सोया टच करना है, और हल्का सा लास्ट में आपको कॉर्नफ्लोर टच करने के साथ साथ ये जो एग रहेगा, बेसिकली जो लंग फंग जो सूप है उसका जो ट्रेंड जो है वो एग वाइट जो अपन इस तरीके से जो बीट करके दूध डालते हैं ना, वो उसके ऊपर से फफिंग बना के जो देना होता है वही इसका बेस्ट है। तो इस तरीके से मैं आपको दिखाऊंगा अभी हमने बनाना कैसे है। इंग्रेडिएंट्स हो गया, और मैंने आपको बेसिक बता ही दिया कि इंडो चाइनीज से सूप है चिकन लंग फंग, और लंग फंग एक जगह का नाम भी है चाइना में, तो वहीं से एक सूप हुआ है, तो वहीं का ये सूप है। तो मैं अभी दिखा देता हूँ कैसे बनाना है हमारे को इस सूप को। ये हमारी चाइनीज रेग, उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले आपका जिंजर, ये गार्लिक दोनों डाल के इसको सोते करना है, सोते यानी कि हल्का ब्राउन करना है, और ब्राउन करने के साथ साथ क्या करना है आपको, इसमें क्या करना है आपको, चिकन का स्टॉक यूज करना है। तो ये हमारा चिकन स्टॉक हमने जो बना के रखा ये हमने इसमें टच किया, ये चिकन स्टॉक और स्टॉक डालने के साथ साथ ये सबसे पहले आपका ब्लैक पेपर, एक डिनर स्पून आपका डार्क सोया, उसके बाद हल्का सा आपका वाइट सॉल्ट अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी और अकॉर्डिंग टू आपका टेस्ट, वेजिटेबल हल्का वेजिटेबल हमने ये भी लिया, इम्पोर्टेंट वेजिटेबल, और ये जुगनी हमने ये भी लिया। ये हो गया हमारा सारा वेजिटेबल, तो हमने ये ऐड कर दिया, और इसका जो कलर है हल्का ब्लैक रहेगा, और इसमें डार्क सोया यूज़ करना है आपको। ये हो गया इस तरीके से, उसके बाद आपको क्या है, इसका एरोमा होना चाहिए, और स्टॉक में आपके जैसे चिकन का बॉन्स वगैरह और ये इस तरीके का बना डाल देना है, उसमें आप सेलरी और कोरिएंडर रूट के साथ में आप क्या करना है, स्टॉक बना देना है, और स्टॉक को बनाने के बाद में डबल स्टेन करने के बाद, और उसको आप इस तरीके से सूप में यूज़ कर लेना है, वेज में वेज स्टॉक बना लेना है, और नॉन वेज में नॉन वेज। तो किसी दिन फिर हम वेज स्टॉक बना के दिखाएंगे। ये किया हमने, हल्का सा आपको कॉर्नफ्लोर टच कर देना है ये, और एग वाइट मैं दिखा देता हूँ आपको, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे आपका क्या करना है, स्लो फ्लेम रहेगा यानी कि गैस कम कर लेना है, और ये जो एग वाइट रहेगा इसको आपको इस तरीके से बीट कर लेना है यानी कि फेंट देना है, और भी ये जो आपको जो ये सूप आपका चाइनीज वॉक में जो उबाल हो रहा है, बॉईल हो रहा है, उसको क्या करना है, कम से कम होना है, और स्पून से आपको क्या करना है, ये इस तरीके से आपको ये एग वाइट फेंट के ये इस तरीके से डाल देना है, और बाद में फिर आपको क्या करना है, इसका फ्लेम है जो एक बार थोड़ा सा हल्का सा तेज करके और आपको सूप को पिकअप करा देना है। तो ये हो गया हमारा चिकन लंग फंग सूप। वेजिटेबल डालने के साथ साथ आपके पन रहेगा जो चिकन रहेगा बॉईल, वो चिकन आपको ऐड कर देना है ये इस तरीके से, और हल्का सा फ्लेम आपका बढ़ाना है ये, और ये आपका ये इस तरीके से ये चिकन लंग फंग सूप हो गया। इस तरीके से हम प्लेट्स लेंगे, और प्लेट्स लेने के बाद लेकिन आप थोड़ा सा ज़्यादा हेल्थी सूप ज़्यादा क्वांटिटी में पियोगे तो ठीक रहेगा, तो
तो ये हमारा इस तरीके से आपका रहेगा जो मैंने आपको बताया। आपका जो ये, आपको जो ये वाइट वाइट जो ये नज़र आ रहा है, मैं आपको उंगली करके इस तरीके से जो दिखा रहा हूँ, तो ये जो वाइटनेस जो दिख रहा है इसमें लंग फंग में, अगर ये एक्चुअल प्रॉपर है, ये ज़्यादा बीट नहीं होना चाहिए, तो ये सबसे बड़ा जो लंग फंग सूप का जो है मैनेट्री जिसको हम बोल सकते हैं, तो ये लंग फंग में ये इस तरीके से दिखाई देना चाहिए। और ये इसके साथ साथ आप ये इस तरीके का सूप बना सकते, यही नहीं है, हमने और भी बहुत सारे सूप कॉन्टी से, चाइनीज़ से हमने बना के और मेरे चैनल पर डाल के रखा हुआ है। तो आपको और भी कोई भी सूप की नीड है तो प्लीज़ आप कमेंट्स करके, दूसरा सूप भी आपको मिल जाएगा वेज नॉन वेज। और इसी के साथ साथ आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और ज़रूर करें, इन्जॉय करें। थैंक यू सो मच।